यह कराकरम इंटरनेशनल। अस्सलाम वालेकुम माय डियर फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग? आप लोगों ने कभी ट्रेन का सफ़र किया है कि नहीं? अगर नहीं किया तो आज आप लोगों को ट्रेन का सफ़र दिखाते हैं कैसे होता है। ये मैं बैठा हुआ हूँ, ये मेरे साथ दो साथी बैठे हुए हैं, ये बर्थ है और हम सोए हुए थे। अभी थोड़ी देर पहले हमारा जो ना स्टेशन आने वाला था इसलिए हम उठ गए। तो अभी मैं दूसरे कैमरे से दिखाता हूँ कि ट्रेन के सफ़र में बर्थ का क्या सीन होता है, जो सीट होती है और उसका क्या सीन। ये भाई साहब बर्थ है, एक ये वाली ना, अगर आपने सीट करवानी है बुक तो ये देखें, ये ट्रेन घूम रही है। ये ट्रेन गुजरी है एक ना, इसी वजह से मैं भी चुप हो गया था, एकदम डरा दे दिए जब जैसे ही ट्रेन गुजरते। अच्छा, ये एक बर्थ, दूसरी बर्थ, ये है तीसरी बर्थ। तो और सामने ये सीट्स हैं। तो अभी हम गुजर रहे हैं जी सिंध से, तो ये सिंध के मैदानी इलाके हैं और यहाँ पे भेड़ बकरियाँ भी देख ले आप, नज़र आ रही होंगी आप लोगों को। तो अभी मैं थोड़ा सा ना दिखाता हूँ भी हूँ, थोड़ा सा बाहर निकल के भी थोड़ा सा आप लोगों को दिखाता हूँ कि ट्रेन अंदर से कैसी होती है और पाकिस्तानी ट्रेन कैसी होती है। ये वाला नीचे इसका जो है ना लाइट्स का बटन है, तो अभी पहले यहाँ पे चार्जर वगैरह भी लग सकता था लेकिन नहीं, यहाँ पे लगता है वो पानी वाला ग्लास, ये वाला ग्लास वगैरह। तो थोड़ा सा अगर मैं बाहर से आप लोगों को दिखाऊँ ट्रेन को, सीन था तो ये बर्थ, ये हमारी एक बर्थ, दूसरी बर्थ, इस तरह ये सारी चीज़ें। तो ये पंखा भी लगा हुआ है इसके अंदर और ये सारी चीज़ें, ये इस तरह लोग बैठे हुए हो बाबा जी आशा। तो ये इस तरह की अंदर से ट्रेन है, ये है कराकरम इंटरनेशनल ट्रेन। तो ये इस तरह, ये भाई साहब हैं ये जो नीचे सोए हुए हैं ना, के पास सीट नहीं थी तो इन्होंने हमारा जो है ना वो तरला किया, तो हमने तरला मान लिया इसका, तो इनको सोने के लिए हमने जो है ना जगह दे दी। तो ये है सीन। तो ये कराची जा रही है ट्रेन लाहौर से, तो ये वाला सीन है यहाँ।